हरियाणा में मतदान से पहले घमासान तेज हो गया है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां गुटबाजी झेल रही हैं। गुटबाजी के चलते ही हरियाणा में बीजेपी ने 8 नेताओं को सस्पेंड कर दिया, वहीं कांग्रेस भी अपने नेताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज एक तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। इस फोटो में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं और पीछे राहुल गांधी भी दोनों नेताओं का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, उसके पहले सभी नेता जनता को लुभाने के लिए तवातोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी ज्वाइंट रैली हुई। राहुल प्रियंका की हरियाणा में विजय संकल्प रैली के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों के बीच मना मनोबल की कोशिश जारी है। दोनों ही नेता सीएम पद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। इस बीच आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दरअसल नारायणगढ़ की रैली समाप्त होने के बाद सभी नेताओं ने एक साथ हाथ पकड़कर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कुमारी शैलजा राहुल गांधी के एक तरफ खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तभी राहुल गांधी ने पीछे हटते हुए दोनों नेताओं का हाथ मिला दिया। इस दौरान जनता ने जमकर तालियां बजाई। राहुल गांधी ने अपने इस कदम से ये दर्शाने की कोशिश की है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। बता दें कि कुमारी शैलजा की नाराजगी की चर्चाएं थी। शैलजा अनदेखी से नाराज चल रही थी। उनके करीबियों को टिकट ना मिलने और हुड्डा कैंप का दबदबा रहने से वो निराशा में थी और कुछ दिनों के लिए चुनाव प्रचार से भी वो दूर रही। हरियाणा में 20-22% दलित वोटर हैं और उन पर शैलजा का भी प्रभाव है। कुमारी शैलजा विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। वहीं चुनाव में जब 5 दिन रह गए हैं तब माना जा रहा है कि कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी ने मंच से एकजुटता का संदेश दिया है। हालांकि शैलजा कई मौकों पर मुख्यमंत्री चेहरे पर भी दावा ठोक चुकी हैं। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव के बाद फैसला होगा।